Hello everyone, welcome to my channel. I am Pratiksha, going to make some videos related to zoology. I hope it will help for you. So stay tuned to my channel for further videos. Today's topic, glycolysis, its regulation and energetics. First we will see introduction. Glycolysis, glycase means sugar and lysis means breakdown. जो सेल है, जो लिविंग सेल है, वो एनर्जी पर्पस के लिए शुगर का ब्रेक डाउन करती है. दैट पाथवे और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, क्योंकि जो शुगर है वो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है. दिस पाथवे इज डिस्कवर्ड बाय एम्डेन, मेयरहॉफ एंड परनास इन 1897. दैट पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे एंड दिस प्रोसेस इज ऑकर इन टू द साइटोसोल. क्योंकि जितने भी एंजाइम है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने में लगते हैं, वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ग्लाइकोलिसिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल पाथवे. हाँ, ये कंजर्व पाथवे है, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल सेल हो, सब में ये पाथवे सेम है. इसलिए ये इसे हम यूनिवर्सल पाथवे बोलते हैं. एंड इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस. अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे हम 6 कार्बन कंपाउंड का कन्वर्शन किस में कर रहे हैं? 3 कार्बन कंपाउंड में. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैटाबोलिक प्रोसेस. कैटाबोलिक मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कन्वर्शन सिंपल में किया जाता है, और एनाबोलिक प्रोसेस मतलब जहाँ पे सिंपल का कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स में किया जाता है. ठीक है, जो मैक्सिमम सेल्स है या फिर मोस्ट ऑफ द जो मैमिलियन टिश्यू है, सेल्स जो है वो डिपेंड है ग्लूकोज के ऊपर फॉर द एनर्जी पर्पस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन सेल है, ब्रेन जो है वो टोटली डिपेंड है ग्लूकोज के ऊपर फॉर द एनर्जी पर्पस. ग्लाइकोलिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय द टू वेज, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एज अ एंड प्रोडक्ट अलोंग विद द एटीपी एंड एनएडीएच. दिस एनएडीएच एंटर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनएडीएच, दिस एनएडीएच एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज ऑफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. और वहाँ पे एनएडीएच से क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे. मतलब अल्टीमेटली क्या बन रही है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बन रही है. सेकेंड वन इज द अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस. अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ एंड प्रोडक्ट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओनली एटीपी. ठीक है, वहाँ पे एनएडीएच नहीं बनता क्योंकि वो प्रोसेस किसके अब्सेंस में हो रही है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रही है. नाउ दीज आर द पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. जब सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज को सेल यूटिलाइज करती है. एक तो वो उसको एनर्जी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगी वाया और ग्लाइकोलिसिस. एक तो उसको वो स्टोर करके रख सकती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्च. एक तो सेल उसको यूटिलाइज कर सकती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनाने में भी ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है. नाउ द ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप रिएक्शन है. 10 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और दो फेज में ये रिएक्शंस या फिर ये पाथवे डिवाइडेड है. फर्स्ट फेज है प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज का कन्वर्शन किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. अब इसको प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज़ किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या फिर इसको एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का. ठीक है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का. फिर बाद में ये स्प्लिट होगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये दोनों इंटर करेंगे पे ऑफ फेज में, और पे ऑफ फेज में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं. अभी हम ये सभी रिएक्शंस को डिटेल में देखते हैं.
फर्स्ट रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस की, इट इज़ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है, ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है बाय एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं हम, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। अब कौन से ग्रुप के ऊपर एडिशन हो रही है फॉस्फेट ग्रुप की, सिक्स नंबर कार्बन पे। ठीक है, कार्बन नंबर सिक्स पे। सो ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। अब ये रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स। और हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए वहाँ पे एमजी डाइपॉजिटिव इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। साथ साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डेल्टा जी दिया, डेल्टा जी के वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, मतलब दिस ये जो रिएक्शन है ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ठीक है, देयर आर अ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक मतलब जो रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। जो रिएक्शन एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सर्गोनिक है, क्योंकि वहाँ पे रिलीज की जा रही है एनर्जी, यूज की जा रही है एनर्जी। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट। हियर इज द सिंपली कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट। द एंजाइम्स विच रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज द फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। एमजी डाइपॉजिटिव इज इसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है, इट इज़ अ अल्डोज शुगर, एंड फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है, इट इज़ अ कीटोज शुगर। तो यहाँ पे सिंपली दोनों का इंटर कन्वर्शन हो रहा है, इट इज़ अ सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन। द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट। यहाँ पे फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट का कन्वर्शन किसमें किया जा रहा है, फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वन। ठीक है, पी एफ के वन। यहाँ पे ये फ्रुक्टोज सिक्स, ये जो हमारा फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट है, इसके कार्बन नंबर वन पे एडिशन की जा रही है फॉस्फेट ग्रुप की। और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा है, कौन डोनर है उसका, एटीपी डोनर है। ठीक है, अभी तक सेल ने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज क्लीवेज ऑफ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड, दैट इज द डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड द ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये स्प्लिट हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, DHAP में एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेज। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज इंटर कन्वर्शन ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। Dihydroxy acetone phosphate is converted into the glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of enzyme triose phosphate isomerase. They show the isomerization reaction. This reaction is a reversible reaction. Phase of glycolysis is a payoff phase. पेऑफ फेज में अभी जितने भी मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे वो ट्वाइस फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो स्प्लिट हुआ था इंटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज द ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP। अभी पहले ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करेगा इंटू द पे ऑफ फेज, एंड उसके बाद में जो DHAP है वो कन्वर्ट होगा ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और बाद में ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करेगा इंटू द पे ऑफ फेज में। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे अभी वो ट्वाइस फॉर्म में मिलेंगे, तो यहाँ पे इसीलिए ट्वाइस ब्रैकेट में दिखाया गया है, टू दिखाया गया है। ठीक है, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द पे ऑफ फेज में क्या होता है, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है पाइरुवेट में, और साथ साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। सो वन बाय वन वी विल सी द रिएक्शन।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है इज कन्वर्टेड इन टू द 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे रिड्यूस होता है 1 NAD मॉलिक्यूल इन टू द NADH, ठीक है, और साथ साथ में ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है एंड फॉर्म होता है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड। अब ये एसीटेट जो है इट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड टू ADP। यहाँ पे ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज, ये एंजाइम ट्रांसफर करता है फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड टू ADP, मतलब ADP का कन्वर्शन ATP में हो जाएगा और 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड का कन्वर्शन 3-फॉस्फोग्लिसराइड में हो जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, इज द सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। अब ये जो ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जा रहा है और ADP को दिया जा रहा है, ठीक है, ATP बनाया जा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये हमारा जो है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसराइड ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जा रहा है और ADP को दिया जा रहा है, सो दैट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज द कन्वर्शन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड टू 2-फॉस्फोग्लिसराइड। हियर इज द सिंपली फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम थर्ड पोजिशन टू फर्स्ट पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज। MGDI पॉजिटिव इज इसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई द फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज। The next step of glycolytic reaction is the dehydration of 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate। Dehydration मतलब removal of water molecule, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा 2-phosphoglycerate है इसका conversion किस में किया जा रहा है, into the phosphoenol pyruvate by removing the water molecule and this reaction is carried out by the enzyme enolase। This enolase enzyme is strongly inhibited by the fluoride, ठीक है, फ्लोराइड जो है वो इसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अ ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू ADP। यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जा रहा है, ADP को दिया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज एंड देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द पाइरुवेट एंड ADP इज कन्वर्टेड इनटू द ATP, ठीक है। फॉस्फोइनोल जो हमारा पाइरुवेट है, पाइरुवेट की एक्टिविटी के लिए वहाँ पे पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये आयन रिक्वायर्ड है, लगते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो ये जो है 10-स्टेप रिएक्शन है, इसमें से रिमाइंड दैट रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 10, ओनली दिस थ्री रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ये तीन रिएक्शन जो है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 10, ये तीन रिएक्शन ही इरिवर्सिबल है, बाकी सब रिएक्शन रिवर्सिबल है। Now we will see the regulation। जो ग्लाइकोलिसिस है इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाई द हारमोन्स लाइक ग्लूकागॉन, इपिनिफ्रिन एंड इंसुलिन। अब देखो जो हमारा पैनक्रियाज है उसकी जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है, लेकिन ग्लूकागॉन फंक्शन क्या करता है, ग्लूकागॉन का फंक्शन ये है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो सेल है अगर ग्लूकोज एक्सेस में है तो वो सेल ग्लूकोज को स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, लिवर सेल में होता है। अब ये जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है तो उसको बढ़ाना इसका काम है। तो वो कैसे बढ़ाता है, ग्लूकागॉन
एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन से एंजाइम्स? जो एंजाइम्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स है उनको ग्लूकागॉन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और वैसे भी उसको क्या करना है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ानी है, तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स है उनको क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा। इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकागॉन के अगेंस्ट में है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लाइकोलिटिक या फिर जो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स है उनको वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये दोनों ही रेगुलेट करते हैं। ग्लूकागॉन ग्लूकोज की लेवल अगर कम है तो उसको बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल अगर ग्लूकोज की लेवल ये जो दोनों है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन ये दोनों अगेंस्ट में काम करते हैं। ग्लूकागॉन जो रहता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन क्या करता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। ठीक है, दोनों भी पैनक्रियाज रिलीज करता है। ग्लूकागॉन अल्फा ग्लूकागॉन को अल्फा सेल रिलीज करती है पैनक्रियाज की और इंसुलिन को बीटा सेल रिलीज करती है पैनक्रियाज की। ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ सेवरल ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट किया, हेक्सोकाइनेज इनहिबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रिपन जो है वो 1 इनहिबिटेड बाय द एटीपी साइट्रेट एंड हाइड्रोजन आयन एक्टिवेटेड बाय द फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट एएमपी एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पाइरुवेट काइनेज इज इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड एसिटिल कोए एंड पाइरुवेट काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट एंड एएमपी। नाउ द एनर्जेटिक्स, दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज प्लस ट्वाइस एनएडी प्लस ट्वाइस एडीपी प्लस ट्वाइस पीए इज कन्वर्टेड इंटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, 2 एनएडीएच, 2 हाइड्रोजन आयन्स, 2 एटीपी एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। पुलिस इसका यूज देखे तो चार चार एटीपी मॉलिक्यूल्स हमको एट अ सबस्ट्रेट लेवल पे डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे दो कंसेप्ट है फॉर द एनएडीएच। देखो, न्यू कंसेप्ट कहता है कि एनएडीएच, एक एनएडीएच मॉलिक्यूल 2.5 एटीपी यील्ड करता है, कब, जब वो इंटर करेगा इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स, दो एनएडीएच मॉलिक्यूल्स कितने एटीपी बनाएंगे, 5 एटीपी में बनाएंगे। मतलब 5 हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से मिले और 4 हमको सबस्ट्रेट लेवल में से मिले। ठीक है, मतलब टोटल कितने एटीपी बन गए, 9। 9 में से 2 प्रिपरेटरी फेज में यूटिलाइज किए जाते हैं, मतलब 7 एटीपी हमारा यील्ड है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेप्ट। बट एक ओल्ड कंसेप्ट ऐसा भी है कि 1 एनएडीएच मॉलिक्यूल 3 एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब 2 एनएडीएच कितने प्रोड्यूस करेंगे, 6 एटीपी। 6 एटीपी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से मिले और 4 हमको डायरेक्ट मिल गए एट अ सबस्ट्रेट लेवल, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 एटीपी। 10 एटीपी में से 2 एटीपी प्रिपरेटरी फेज में यूज किए जाते हैं, तो बचे कितने फिर, 8 एटीपी। मतलब हमारा यील्ड कितना है ग्लाइकोलिसिस का, 8 एटीपी। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा कंसेप्ट से पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेप्ट और ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, और अनैरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर और अनैरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी डायरेक्ट मिलते हैं, वहाँ पे एनएडीएच तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, इट्स रेगुलेशन एंड एनर्जेटिक्स। सो होप इट विल हेल्प यू। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any queries regarding to this topic, you can ask me in comment section. So thank you. Stay safe, stay home, like, share and subscribe my channel. Thank you.